सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आतंकियों के निशाने पर पंजाब भी था, जिसे दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया। पंजाब एसटीएफ ने मकर संक्रांति के दिन अठारी वाघा सीमा के पास आईईडी को बरामद कर पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। दुश्मन की आतंकी साजिश, सीमा के पास आईईडी बरामद, 5 किलो विस्फोटक, पंजाब को दहलाना था मकसद, आतंकी षड्यंत्र हुआ फेल। मकर संक्रांति के दिन पंजाब में दहशत फैलाने के मंसूबे रखने वालों की एक और आतंकी साजिश नाकाम हो गई। अमृतसर स्थित अटारी बाघा के समीप गांव धनोए कला से एसटीएफ ने आईडी बरामद किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल चुनावी रैलियों और भीड़ वाले क्षेत्रों में किया जाना था। सूचना मिली थी कि भारत पाक सीमा से लगभग 2 किलोमीटर पहले बच्ची विंड रोड स्थित डेरा बाबा गुलाब शाह के पास खेत में बारूद की खेप छिपा कर रखी गई है। तलाशी के दौरान एक प्लास्टिक के लिफाफे से विस्फोटक मिला, 5 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, 2.5 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ, 1 किलो 360 ग्राम छर्रे बरामद, लोहे के 3 कंटेनर बरामद हुए, 3 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बरामद किए गए, 1 डिजिटल टाइमर भी बरामद हुआ, 1 लाख भारतीय नोट भी कब्जे में लिए गए। पाकिस्तान से आई थी विस्फोटक सामग्री। सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक सामग्री पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के जरिए खालिस्तानी आतंकियों के लिए भेजी गई थी। इसका इस्तेमाल चुनावी रैलियों या फिर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में किया जाना था। हालांकि राज्य में 14 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है, लिहाजा इस बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। गणतंत्र दिवस से पहले देश में आतंकी घटनाओं को बड़ी साजिशों को नाकाम किया गया है। राजधानी दिल्ली और पंजाब में अटारी वाघा सीमा के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी आईईडी बम बरामद किया गया। नौहट्टा इलाके में मिले इस बम को समय रहते बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। खास रिपोर्ट आप देखें। अमन और चैन के दुश्मन हो तो हम इस देश के रक्षक हैं। तुम्हारी साजिशें आतंक फैलाना है तो हमारा मकसद ढाल बनकर देश को बचाना है। गिद्ध की तरह कश्मीर पर अपनी नापाक नजरें गड़ाए बैठे देश के दुश्मनों की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित नौहट्टा इलाके में उस वक्त दहशत फैल गई जब शुक्रवार को एक संदिग्ध बैग में बम होने की खबर सामने आई। ख्वाजा बाजार इलाके में संदिग्ध बैग दिखाई दिया, इसमें प्रेशर कुकर और कुछ तार दिखाई दे रहे थे। इस बात की सूचना पुलिस और संबंधित विभाग को दी गई। विस्फोटक के शक पर बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा। बम स्क्वाड ने समय रहते बम को निष्क्रिय कर दिया। श्रीनगर के इस व्यस्त बाजार में आतंकियों की साजिश थी कि वो भारी तबाही मचाएं। अगर चंद मिनट और देरी हो जाती तो बड़ा नुकसान भी हो सकता था, लेकिन समय रहते एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। दरअसल सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार आतंकियों का घाटी से सफाया किया जा रहा है। ऐसे में उनके डर के बीच आतंकियों ने कश्मीर में अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए इस बार आम लोगों को निशाना बनाने का रास्ता चुना, और इसी के चलते आतंकियों ने ख्वाजा बाजार में कुकर आईडी रख दी ताकि आईडी धमाके में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।